आज हम बात करेंगे अपने खास मेहमान दीपक केमटेक्स के मैनेजमेंट से। कंपनी फूड, ड्रग और कॉस्मेटिक कलर बनाती है। 29 नवंबर से कंपनी का आईपीओ खुल रहा है और 1 दिसंबर को ये आईपीओ बंद होगा। इशू के जरिए कंपनी की 23 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है और इशू का प्राइस बैंड 76 से लेकर 80 रुपए तय किया गया है। कंपनी के आईपीओ और ग्रोथ आउटलुक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के CMD सौरभ अरोड़ा सर। सौरभ सर नमस्कार, स्वागत है आपके कार्यक्रम में। पहले तो शुभकामनाएं आपके इस आईपीओ को लेकर जो आप लेकर आ रहे हो। कंपनी बेसिकली केमिकल कारोबार के अंदर है और केमिकल बहुत ही डाइवर्सिफाइड कारोबार है। सो हमारे दर्शकों को आप समझाएं कि कंपनी किस तरह के केमिकल में काम काज करती है, कौन कौन सी प्रोडक्ट लाइन है, क्या कंपनी का ओवरऑल स्ट्रक्चर है। थैंक यू सो मच सुमित फॉर इंट्रोड्यूसिंग अस एंड फॉर हैविंग अस ओवर ऑन योर चैनल। So, the name of the company, as you know, Deepak Chemtechs Limited, we were incorporated in 1997. और हम बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं कलरेंट्स एंड डाइज। ये कलरेंट्स जो हैं, they are kind of synthetic dye stuffs, तो ये केमिकल्स के ही इसमें आते हैं कैटेगरी में। तो ये जो हम बनाते हैं डाई स्टफ्स एंड कलरेंट्स, ये दे आर गोइंग इन टू फूड कलरेशन, बेवरेजेस, क्लीनिंग कंपाउंड्स, डिटर्जेंट्स, इंक्स में जाते हैं और कॉस्मेटिक्स में जाते हैं। तो ये बेसिकली इनकी एप्लीकेशन है। और भी काफी स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशंस होती हैं कलरेंट्स पे, बट मोर ऑर लेस यस ये एप्लीकेशंस हैं इनकी। जी सौरभ सर, दो तीन चीजें और मैं कंपनी के बारे में आपसे पूछना चाहूंगा। कंपनी की जो कामकाज है 1987 से, जो मेरे पास डेटा उसके हिसाब से कर रही है, कामकाज कर रही है। आपने आईपीओ में से पहले एंकर इन्वेस्टर से एक अच्छा अमाउंट आया है, 6.5 करोड़ रुपए के आसपास वहां से रेस कर चुके हो और 23 करोड़ रुपए फर्दर रेस करने जा रहे हो, मतलब ओवरऑल 23 करोड़ का आईपीओ है। सो इस रकम का इस्तेमाल कंपनी कहाँ करने वाली है, क्या एग्जिस्टिंग प्लांट्स हैं कंपनी के, क्या नई कैपेसिटीज वहां पर ऐड होंगी? नहीं, थोड़ा सा करेक्शन, को 1998 से है हमारा, 87 से नहीं। और जो हम ये आईपीओ ला रहे अपनी जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाने में जाने वाली है। एडिशनल प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट, जो हम हर 2 से 3 महीने में एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, उसके R&D में जाने वाली है, उसकी कैपेसिटीज बनाने में जाने वाली है। फिर R&D और क्वालिटी कंट्रोल के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सोफिस्टिकेटेड जो इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं उसमें जाने वाला है, न्यू मार्केट डेवलपमेंट्स में जाने वाला है और ऑब्वियसली वर्किंग कैपिटल में जाने वाला है। आपने कहा कि आप हर साल कुछ नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं, 100 के आसपास प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में आपके पास ऑलरेडी मौजूद हैं। तो इस तरह के जो नए प्रोडक्ट्स हैं, इसका स्ट्रीमलाइन गोइंग फॉरवर्ड हम क्या एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, कैसे ये आगे इंट्रोडक्शन रहने वाला है और किन किन एरियाज को आप फर्दर केटर करोगे जो ये नए प्रोडक्ट लाइन आप ऐड कर रहे हो, नई कैपेसिटीज ऐड कर रहे हो इनसे? तो जैसे आपने बोला कि हमारे 100 के ऊपर प्रोडक्ट्स हैं, तो ये कुछ सालों से हम जब से R&D अपनी बढ़ाई और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में जोर लगाया, तब से ये हमारे को बहुत सक्सेसफुली जो है 100 के ऊपर प्रोडक्ट्स डेवलप कर लिए हैं, कमीशन कर लिए, इनकी सेल्स चालू है, इनके कस्टमर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड बन चुके हैं और इसी में हमें बहुत अच्छी सक्सेस मिली है। तो यही हम जो है स्ट्रेटेजी आगे कंटिन्यू रखने वाले हैं, इससे भी ज्यादा स्पीड में नए नए प्रोडक्ट्स डेवलप कर रहे हैं, कमीशन करते जा रहे हैं और इसी से हमको सस्टेन्ड ग्रोथ मिलती है, रेगुलर ग्रोथ मिलती है। तो ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके सौरभ जी, जो रत्नागिरी में कंपनी का प्लांट है, जो जानकारी मेरे पास है करीब करीब 1200 मिलियन टन पर एनम के आसपास उसकी कैपेसिटी है, तो जो आप फंड रेस कर रहे हो इसके बाद इस एरिया या इस प्लांट के अंदर कुछ नई कैपेसिटीज ऐड करोगे, इसके आसपास कोई नई कैपेसिटीज ऐड करोगे या कोई नया प्लांट लगाने जा रहे हो, कैसा केपेक्स रहेगा? तो ये कैपेसिटीज बढ़ाने के लिए हम ये फंड कर रहे हैं। ये बढ़ती जाएंगी, ये मतलब इसी तरीके से हम इसकी कैपेसिटीज बढ़ाते जाएंगे। साइलेंट पीरियड में कंपनी है इसलिए हम ये एग्जैक्ट नहीं बता सकते, बट यस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के लिए ये फंड है। ओके, तो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी के अंदर ही आप नया जो केपेक्स है वो करने वाले हो, राइट? एग्जिस्टिंग कैपेसिटी हमारी जो है 1998 में इनकॉर्पोरेट थे, उसके अलावा हमने दो और
यूनिट्स एक्वायर करे हैं लोटेराम MIDC में, तो उसके अंदर हम एक्सपेंशन करने वाले हैं मशीनरी की और भी यूनिट्स एक्वायर करने वाले हैं। ओके एक और चीज़, US, चाइना, यूरोप, मैक्सिको, जापान, कुछ मार्केट्स जो मुझे पता है कि जहाँ पर आप लोग मेजरली एक्सपोर्ट्स करते हो, कौन कौन से प्रोडक्ट लाइन को आप किन किन मार्केट्स में एक्सपोर्ट करते हो और क्या मार्केट आपको ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई पड़ता है जहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी काफ़ी दिख रही है? हमारी एक्सपोर्ट्स जो है वो USA के अलावा, जो हमारा मेजर कस्टमर है, उसके अलावा लैटिन अमेरिका में जो है, मतलब सेंट्रल अमेरिका में मेक्सिको, लैटिन अमेरिका में कोलंबिया, ब्राज़ील, अर्जेंटीना और यूरोपियन यूनियन में स्पेन, इटली, पोलैंड और यूनाइटेड किंगडम। हम चाइना में भी एक्सपोर्ट करते हैं, साउथ कोरिया, ताइवान, जापान, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह करते हैं। तो हर एक कंट्री में ऑब्वियसली कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स और एप्लीकेशंस बाकियों से ज़्यादा चलते हैं। जैसे US में डिटर्जेंट एप्लीकेशन के लिए प्रोडक्ट्स जाते हैं और चाइना में कॉस्मेटिक्स के लिए भी जाते हैं और फूड के लिए भी जाते हैं। जापान में ज़्यादा करके इंक एप्लीकेशन के लिए जाते हैं। जर्मनी में जो है वो इंक एप्लीकेशन के लिए जाते हैं। तो ऐसा है। ओके सौरभ जी, जो आप क्योंकि दो दो प्रोडक्ट हर साल लॉन्च कर रहे हो, ओवर हर महीने माफ कीजिएगा लॉन्च कर रहे हैं और आपकी एक बड़ी प्रोडक्ट प्रोफाइल ऑलरेडी बनी हुई है, तो इसमें एक बड़ी R&D भी इन्वॉल्व होगी जहाँ तक मेरा आइडिया कहता है। तो किस तरह की R&D के ऊपर काम कर रहे हो आप और जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आपकी हैं, क्या इधर ही आपने अपनी R&D यूनिट्स भी लगा रखी है या कहीं और भी आप R&D करवाते हो? फिलहाल तो हमारी R&D एग्जिस्टिंग यूनिट में थी इतने सालों से, मगर अभी पिछले 4-5 महीनों में हमने एक नया R&D सेंटर डेवलप किया है, जो नए यूनिट्स एक्वायर किए हैं वहाँ पे। तो काफी बड़ा R&D सेंटर हमने वहाँ पे ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है और वहाँ जो है क्वालिफाइड लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी जा रही है इस वक्त। तो यहाँ पे हम नए जो यूनिट में R&D चालू किए वहाँ पे हम शिफ्ट कर रहे हैं, वहां पे से ये चलती रहेगी और QC हमने जो है पुराने यूनिट में रखा है। ओके अलग अलग जो प्रोडक्ट प्रोफाइलिंग है, मैं उसको आपके नंबर्स में चेक कर रहा था, एक HI&I, क्योंकि माफ कीजिएगा मेरी केमिकल की समझ को लेके, वो थोड़ा इतना ज्यादा नहीं समझता जितना आप समझते हो, लेकिन HI&I ये सेगमेंट मेजर कंट्रीब्यूट करता है आपके रेवेन्यूज में, फूड एंड कॉस्मेटिक्स की तरफ से थोड़ा, लेकिन एक अच्छा कंट्रीब्यूशन अदर सेगमेंट से भी आता है। सो अगर आप इसको अपनी भाषा में समझा पाएं कि ये कौन कौन सी रेवेन्यू ब्रेकअप है, कौन सा सेगमेंट आपके लिए सबसे बेहतर रेवेन्यू लेकर आता है, तो वो क्या होगा? ये HI&I इज बेसिकली, इसका फुल फॉर्म ये है, हाउसहोल्ड इंडस्ट्रियल एंड इंस्टीट्यूशनल। हाउसहोल्ड इंडस्ट्रियल एंड इंस्टीट्यूशनल क्लीनिंग कंपाउंड्स, मतलब जो बड़े बड़े, जैसे कि अब आप एयरपोर्ट की बात करें, रेलवेज की बात करें, बड़े बड़े होटलों की बात करें, तो ये जो है इंस्टीट्यूशनल क्लीनिंग हो जाती है। तो ऐसी जगहों पे जो क्लीनिंग कंपाउंड्स लगते हैं और हाउसहोल्ड में भी जो लगते हैं, ये HI&I होता है। ये हमारा बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर है, इधर हमारा मैक्सिमम जो है जाते हैं। और अदर्स जिनकी आपने बात करी, ये हमारे जो न्यूली डेवलप प्रोडक्ट्स हैं, बहुत ही ज्यादा स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि लीक डिटेक्शन डाइस, वाटर ट्रेसिंग डाइस, स्मोक बॉम्ब डाइस, तो ये नए नए एप्लीकेशन है। ऑप्थाल्मोलॉजी के लिए भी, MRI कॉन्ट्रास्ट में भी जो डाई अंदर इंजेक्ट करी जाती है, तो ये सब जो है अभी फिलहाल हमने इसको अदर्स में रखा है, मगर जैसे ही थोड़ा टाइम जाने के बाद हम इनकी भी कैटेगरीज बना देंगे। एक और चीज सौरभ जी, मैंने फाइनेंशियल्स में चेक कर रहा था कि आपके मार्जिन्स में एक मेगा एक्सपेंशन हुआ है पिछले 3 सालों के अंदर। कहीं 13-13.5% की रेंज में मार्जिन रहते थे, जो पिछले साल 10 थे, फिर बढ़ के से 17% के आसपास आ गए। तो इस तरह का मार्जिन एक्सपेंशन क्या प्रोडक्ट प्रोफाइलिंग की वजह से मान के चले कि बढ़िया नए प्रोडक्ट्स ऐड किए हाई मार्जिन वाले, या इनपुट कॉस्ट में कमी आई है? नहीं, ये प्रोडक्ट जो हमने ऐड किए हैं, स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं और एक बास्केट बनाई है प्रोडक्ट्स की, जिसमें कमोडिटी भी होता है, मिड कमोडिटी भी होता है और हाई प्रॉफिटेबिलिटी भी प्रोडक्ट्स होते हैं। तो मार्केट कभी ऊपर जाए, नीचे जाए, रिसेशन आए या ना आए, तो ये बास्केट की वजह से ये हमारी जो सस्टेन्ड ग्रोथ है वो पॉसिबल रही है। ओवरऑल सिचुएशन सिनेरियो अभी केमिकल सेक्टर को लेकर, क्योंकि प्राइसिंग 2 क्वार्टर पहले तक तो काफ़ी प्रेशर में थे, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें स्टेबल होनी शुरू हो गई हैं, तो फूड केमिकल मार्केट में या जो आपका इंडस्ट्रियल केमिकल जिसकी अभी आप बात कर रहे थे, इसकी मार्केट को लेकर अभी सिचुएशन सिनेरियो कैसा है? बहुत बढ़िया है, फैंटास्टिक।
सुपर, बहुत अच्छा ग्रोथ है। ओके, एंड किस तरह के डिमांड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर या अपकमिंग ईयर्स में एक्सपोर्ट मार्केट में स्पेशली? सेकेंड हाफ की बात करूं तो ऑलरेडी हमको ये फीलर्स आ रहे हैं कि बहुत बढ़िया मार्केट खुली है। इनफैक्ट जो है ऑर्डर्स की सिचुएशन बोलो या डिमांड की सिचुएशन बोलो, तो वी आर सीइंग अ वेरी गुड ग्रोथ एंड वेरी गुड इंक्रीज इन डिमांड एज कम्पेयर टू द लास्ट हाफ और मे बी लास्ट ईयर। और आने वाले टाइम में आई एम वेरी वेरी पॉजिटिव, इट्स लुकिंग सुपर। और एक और चीज सौरभ जी, जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बिजनेस का आपका ब्रेकअप है कि आप घरेलू कारोबार से कितना रकम आता है, आय आती है कंपनी को, और विदेशी कारोबार से किस तरह की आय आती है, और विदेशी कारोबार में आप कौन कौन से नए मार्केट्स को तलाश रहे हो जहां पे एक्सपैंड कर सकते हो आने वाले समय में, या जहां अपॉर्चुनिटी आपको दिख रही हो? तो ऐसा है कि अगर आप हमारे नंबर्स देखेंगे और DRHP वगैरह थोड़ा देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि ईयर ऑन ईयर हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ती जा रही है, काफी बड़ी है लास्ट ईयर में एक्सपोर्ट्स। आने वाले टाइम में एक्सपोर्ट्स की तो ग्रोथ होने ही वाली है क्योंकि हम US में और एक्सपेंड करने वाले हैं, लैटिन अमेरिका में, और स्पेशली हमारी नजरें चाइना के ऊपर हैं क्योंकि हमारे ये स्पेशलिटी प्रोडक्ट जो है चाइना में नहीं बनते हैं और इनकी बहुत अच्छी डिमांड है इंडिया से, तो हम वहां भी देखने वाले। बट मैं ये बोलना चाहूंगा कि इंडिया इज बूमिंग, इंडिया में बहुत सॉलिड ग्रोथ हो रही है FMCG सेक्टर की, HNI, डिटर्जेंट की, फूड की, कॉस्मेटिक्स की बहुत बढ़िया ग्रोथ हो रही है, तो हम इंडियन मार्केट को इग्नोर नहीं करने वाले हैं। और इसमें भी एक स्पेशल विंग ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट जो है वो सिर्फ डोमेस्टिक के लिए डालने वाले हैं। दो चीज़ों को और हाईलाइट करना चाहूँगा सौरभ सर। एक, FY23 में आपने शायद 50 प्रोडक्ट अपने पोर्टफोलियो में ऐड किए थे, सो FY24 या मतलब एक टारगेटेड टाइम क्या मान के चलो कि आप गोइंग फॉरवर्ड क्या 50 के नंबर ही को स्टिक करोगे या फर्दर और नए एडिशंस भी आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं? वन टू, आपने जो फॉरेन मार्केट्स हैं उसमें 79 ग्लोबल क्लाइंट्स और करीब करीब 6 डोमेस्टिक क्लाइंट्स की बातचीत भी की हुई है, सो क्या नंबर गोइंग फॉरवर्ड एक्सपेक्ट कर सकते हैं ग्लोबल क्लाइंटेल वाइज की, कौन कौन से मतलब दो, ये आप DRHP में हो, साइलेंट पीरियड में हो, लेकिन एक मोटा मोटा नंबर की किस तरह से ग्रोथ यहाँ पर हम देख पाएंगे दोनों साइड पे? नंबर्स की तो बात यहाँ नहीं कर सकते क्लाइंट्स के मामले में, बट यस वी आर गोइंग टू ऐड मोर एंड मोर कस्टमर्स, we are going to bypass certain distribution companies abroad and go right to the consumer jahan pe hamara margin increase hota hai, but what I am saying is acha product ki development ki aapne baat boli ki kitne isi tarike se hum product develop karte jayenge, aisa zaruri nahi hai, product development hoti rahegi but sath sath mein capacities bhi increase karni hai in products ki, aur ye products ki jo production hai usko consolidate bhi karna hai। सो इट इज नॉट जस्ट कि हम उतने ही ज्यादा प्रोडक्ट डेवलपमेंट तो चलती ही रहेगी इस तरीके से, बट फोकस इज नॉट एग्जैक्टली दैट, फोकस इज अलॉट मोर थिंग्स। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके IPO को लेकर। एक बार वो IPO की प्लेट दोबारा लेकर आइए, किस तरह की IPO की डिटेल है, तो जो IPO है वहाँ पर 29 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच IPO खुला है, 76 से 80 रुपये इसका प्राइस बैंड है, 23 करोड़ रुपये जुटाने की योजना है और लॉट साइज 1600 शेयरों का है। ये दीपक केमटेक्स के IPO की तमाम डिटेल आप देख भी रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और कंपनी की विस्तार योजनाओं पर और सभी शेयरों पर, सभी चीज़ों पर बातचीत करने के लिए। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे और आगे बातचीत जारी रखेंगे।